कांग्रेस खेमे से लगातार दिग्गज नेताओं का भाजपा में आने का सिलसिला जारी है। आज इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया था। भाजपा में आने के बाद दिनेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर वो आज भाजपा में शामिल हुए हैं। मैंने जो धारणा बनाई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ, उसके पीछे मेरी बड़ी स्पष्ट धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिस तरह वो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व पटल पे भारत एक नई तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार प्रदेश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मुझे आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए कार्य कर। वहीं कांग्रेस नेता के भाजपा में शामिल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने उन्हें और उनके सहयोगियों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। 6-6, 7-7 बार उनको चुनाव लड़ा दिया, योग्य थे या नहीं थे पता नहीं, उसके बावजूद उनको मंत्री बना दिया, उसके बाद मेयर का चुनाव दे दिया, इससे ज्यादा तवज्जो और क्या दिखे। और आज भी आप देखेंगे जो हमारे स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें उनका नाम है, इससे ज्यादा तवज्जो और पार्टी क्या देगी। पर हाँ, जो उनके कारण है जाने का उनको हम जल्दी आप सबके सामने लेके आए। मेरे को उनको किसी उनकी किसी टिप्पणी में बात नहीं करी, हमने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। पार्टी विरोधी विरोधी गतिविधियों में पिछले 1-1.5 साल से लगातार सक्रिय थे। हमारे बड़े नेताओं ने कोशिश भी की, हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी स्वयं उनसे मिलके उनसे बातचीत की, उनको मेयर का टिकट दिया, मंत्री बनाया, और उससे ज्यादा आप क्या चाह रहे हैं।